हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्ते भारत की ये कहानी यूपी के एक शिक्षक अनिल कुमार की है। कहानी बिना घर में निकले आमदनी बढ़ाने की है। अगर आप बेहद कम निवेश में अपनी कमाई चाहते हैं बढ़ जाए तो ये खबर सुनिए भी, देखिए भी और शेयर तो जरूर कीजिएगा। आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रहे ये हरे भरे पौधे हरी मिर्च, टमाटर और खीरे के हैं, लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि सब्जियों की ये खेती किसी खेत में नहीं बल्कि घर की छत पर की गई है। घर की छत पर खेती करने वाले ये हैं अनिल कुमार। अनिल पेशे से शिक्षक हैं। कौशाम्बी के बेला फतेहपुर गांव में रहने वाले अनिल 2018 से अपने घर की छत पर खेती कर रहे हैं। अनिल को इसकी प्रेरणा कैसे मिली ये उनकी जुबानी सुनिए। मुझे ये फिर यूट्यूब से मिला था एक वीडियो, मैं वहीं शुरू किया था। अनिल ने ज्यादातर घर में इस्तेमाल हो रही चीजों का प्रयोग किया। खाद के लिए नारियल का बुरादा, सिंचाई के लिए पाइपलाइन और पंप वगैरह, वही जो घर में इस्तेमाल हो रहे थे। पहली बार इसमें कॉस्टली पड़ता है, इसके बाद फिर वही सीड का भी खर्च रहता है, थोड़ा बहुत न्यूट्रिएंट का खर्च रहता है, इसके बाद कोई खर्चा इसका नहीं। इसमें कीड़े उड़े नहीं लगते लगभग, ज्यादा ये खर्चा उसमें नहीं ज्यादा पड़ता है। पिछले 2 सालों से अनिल के घर में सब्जियों का खर्च शून्य है, यानी बचत है। लॉकडाउन में पड़ोसियों को भी सब्जियां बांटी। नहीं, इस बार लॉकडाउन में मैं पूरे परिवार मतलब मोहल्ले में बंटवाया था और अब सिर्फ अपने घर के लिए यूज कर रहा हूँ। अनिल और उनके परिवार के इस फायदेमंद खेती को देखने आसपास के गांव के किसान आ रहे हैं और उन्हें घर की छत पर जैविक खेती का ये आइडिया बेहद पसंद आ रहा है। फिलहाल ये खेती बचत का जरिया है, पर भविष्य में ऑर्गेनिक उत्पाद की बिक्री और उससे कमाई का प्लान भी है।